रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। इस वक्त मैं मदर डेयरी पर मौजूद हूँ और मदर डेयरी पर जो है एक तरह से कहा जाए जो दूध का रेट है वो बढ़ गया है। जो एक तरह से जो टोन मिल्क है वो 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है जबकि फुल क्रीम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। यहाँ कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं। मैडम रेट बढ़ गया है, किस तरह से देखते हैं महंगाई की मार? एक बार फिर दोबारा महंगाई की मार पड़ी है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है दिन पर दिन। एक महीना हुआ है पहले रेट बढ़ा था, फिर वापस रेट बढ़ गया है। DMS का भी रेट बढ़ रहा है, मदर डेयरी का भी बढ़ रहा है, प्याज दर से महंगी है, महंगाई की मार पड़े जा रही है दिन पर दिन। जाहिर तौर पर आम लोग जो है इसे सफर कर रहे हैं। तो पहले जो एक तरह से कहा जाए जो दूध का रेट था वो जो फुल टोन था वो 2 रुपये प्रति लीटर अब बढ़ा दिया गया है और जो फुल क्रीम है वो 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। इस वक्त हम मदर डेयरी पर मौजूद है। नए जो रेट्स मैं आपको दिखाना चाहेंगे, कहाँ जो नए रेट्स हैं वो ये आप देख सकते हैं। पूरी रेट लिस्ट है, जो नई रेट लिस्ट आई है। और जाहिर तौर पर ऐसे में अब जो इसकी मार पड़ रही है वो कस्टमर्स पर पड़ रही है क्योंकि रेट एकाएक जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो बजट है वो डिस्टर्ब होगा और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उससे एक तरह से कहा जाए जो जेब है उस पर असर पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये कहा जाता है कि रेट जो है वो टोन्ड मिल्क का और फुल क्रीम का बढ़ा, इसके साथ साथ अमूल का भी रेट जो है वो बढ़ गया है। दूध के जो दाम अभी दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं ये बहुत ही एक आम जनता के साथ धोखा है, क्योंकि दूध के दाम बढ़ाना ये हमारी नैतिक आवश्यकता है, जरूरतमंद ये आवश्यकता है और इसके लिए इस प्रकार से 3 रुपये एकदम से बढ़ाना बिल्कुल नाजायज़ है और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि 3 रुपये का दाम जो बढ़ाया है इसको दिल्ली सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। भैया असर तो है, देखिए आप देखिए एक दिन में कम से कम 3-4 लीटर दूध घर पे चाहिए होता है एक आम परिवार को, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और भी कई चीज़ें हैं कि गेस्ट भी आते हैं तो चाय, और ये तो एक इंडियन वो है कि जब कोई गेस्ट घर में आता है तो चाय जरूर सर्व की जाती है। तो नेचुरल ऐसे बजट पर इफेक्ट पड़ेगा और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है। प्याज के दाम आज आम आदमी के उससे प्याज गायब हो गया है रसोई से, आम आदमी के आज तो जो हायर क्लास आदमी वो भी प्याज नहीं खा रहा है कि 200 रुपये किलो प्याज हो गया है। दूध के रेट बढ़ गए, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट मेरे को लगता है फ्लॉप साबित हो रही है, अगर मोदी जी इस पर नहीं एक्शन लेते तो जनता बहुत जल्द मोदी जी को बदल देगी और बदलना भी मेरे को लगता है अब चाहिए, क्योंकि इस राज्य में महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पे हो गई है जिसका आम जनता पे भारी बोझ पड़ रहा है और आम जनता इस टाइम त्राही त्राही हो रही है। देखिए दूध का रेट बढ़ने से पॉकेट को तो असर पड़ेगा ही, बिल्कुल ये मध्यम वर्ग पर असर पड़ेगा, बट अगर ये रेट अगर किसानों के पास चला जाता है ना कि किसी मिडिल मैन के पास रहता है, किसानों की जेब में जाएगा तो हम ये सह लेंगे, बट अगर किसानों के जगह किसी मिडिल मैन के जेब में जा रहा है तो ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है और इसका कोई स्वागत नहीं किया जा सकता, बट अगर किसानों के पास जाएगा तो बिल्कुल इसका स्वागत किया जाएगा।